अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। जी दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमने मस्जिद का काम शुरू किया हुआ है, तो मस्जिद के बारे में आपको हर रोज़ की डिटेल देते हैं। तो हम जो हर रोज़ काम करते हैं उसके बारे में ये डिटेल होती है। तो जी दोस्तों, हमने मस्जिद का काम के लिए फ्रंट के बनने का काम शुरू किया हुआ है। जैसा कि आपको पता है कि पिछली वीडियो में आप देख चुके हैं जो बनने का काम हमने किया था। पहले दो रद्दे लगाए थे, दो आज लगाए हैं। तो आपको पता है कि ये जो बाहर की तरफ जो बनना जो है ना, निकालना होता है, उसमें बहुत मुश्किल पेश आती है, काम करने में मुश्किल पेश आती है। तो आप वीडियो में देख सकते हैं कि ये रद्दे लगे हुए हैं, ये दो रद्दे लगे हुए हैं। कल हमने दो रद्दे लगाए थे, आज ऊपर दो रद्दे जो ज़्यादा निकाले हुए हैं वो दो आज लगाए थे। जी दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल लेवल में लगा हुआ है, ऊपर ये बिल्कुल साली लगा हुआ है और ऊपर जाएगा इंशाल्लाह। हमने आज जो फ्रंट में साइडों वाली जगह पे हमने छोटा जो है ना नीचे बनना लगाया था, तो 1.5 फुट ऊपर लगेगा फ्रंट वाले हिस्से पे। ये आप देख सकते हैं वीडियो में, ये दो रद्दे लगाए हुए हैं फ्रंट पे, और साइड वाले हिस्से पे हमने लगाए हुए हैं वो नीचे 1.5 फुट 18 इंच नीचे है, और ये 18 इंच ऊपर है उसके। तो आप देख सकते हैं जी दोस्तों, जैसा कि ये छोटा मीनारा है, और वो देख सकते हैं वो बड़ा मीनारा है जो तकरीबन 30 से ऊपर जाएगा, 30-35 फुट तक जाएगा छत से ऊपर ऊपर। तो कल हम इसके ऊपर बीम लगाएंगे, तो आपको इंशाल्लाह वीडियो मिलती रहेगी। बीम लगाएंगे, उसके ऊपर कंक्रीट उसकी भराई करेंगे। तो दोस्तों, आपको जो हम इसमें कंक्रीट डालेंगे उस माल का जो हमने जो रेशियो है ना उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको देते रहेंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये छोटा मीनारा है, ये हमने दो रद्दे आज लगाए हैं, इंशाल्लाह दो रद्दे ऊपर कल लगाएंगे इंशाल्लाह। दोस्तों, मैं पिछली वीडियो में भी बताया था, ये आप देख सकते हैं, ये जो है ये 1.5 इंच है, ये 1.5 इंच तक लगा हुआ है, और ये ऊपर जो कटाई की हुई ईंट की, इसमें हमने लगाया हुआ है 1 इंच, ये 1 इंच बाहर है नीचे वाला, इससे इसके बराबर है बिल्कुल, और ऊपर से 1 इंच बाहर निकला हुआ है। दोस्तों, तो हम आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह कल हम जो काम करेंगे, तो उसके बारे में ये ऊपर एक रद्दा लगेगा वो 2 इंच ही बाहर निकलेगा। उस ईंट की भी ये तराश के ना घड़ाई करके वो हम लगाएंगे, तो वो ये 1.5 इंच होगा, ये 1 इंच होगा, तो 2.5 इंच हुआ, तो 2 इंच और होएगा, 4.5 इंच होएगा, फिर 3 इंच एक और जो चौथा रद्दा लगेगा ना वो इंशाल्लाह 3 इंच बाहर निकलेगा। तो दोस्तों, उसके ऊपर 3 इंच निकलेगा, ये टोटल ये होगा 3.5 वो हुआ 7.5, 7.5 के ऊपर हम 3 इंच जो है ना वो टैल का रद्दा लगाएंगे, टैल लगाएंगे उसके ऊपर जो है ना वो पूरा जो है ना 10-12 इंच तक हो जाएगा। जी दोस्तों, ये आप देख रहे हैं, ये इंशाल्लाह ये साइड वाला जो हिस्सा है ये नीचे है, जो फ्रंट वाला है वो ऊपर है, 18 इंच ऊपर रहेगा। तो ये छोटा मीनार, इसमें हमने 4 सरिये जो हैं 4 सूत्र के लगाए हुए हैं, और 1 सरिया जो है 6 सूत्र का लगा हुआ है। तो जो बड़ा मीनारा होगा उसके हम 5 सरिये लगाएंगे, 5 सरिये लगाएंगे वो 6 सूत्र के सरिये होंगे, तो 8 इंच तक जो रिंग उसमें लगेगा इंशाल्लाह वो 6 सूत्र के सरिये का बनेगा, ये 4 सूत्र के सरिये का बनेगा, 1 6 सूत्र का सरिया भी लगेगा इसमें। जी दोस्तों, इसी तरह वो दूसरी साइड पे है,
वो भी इसी तरह हमने दो मीनारे छोटे, छोटा एक है और एक बड़ा है, ये आप देख सकते हैं, ये छोटा है वो बड़ा है। जी दोस्तों जो आपसे गुजारिश है कि आप लोग हमारी वीडियो को लाइक करेंगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें और साथ ही ब्यूटीफुल मॉस्क हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि, और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ब्यूटीफुल मॉस्क। जी शुक्रिया। जी दोस्तों दुआओं में याद रखिएगा। तो अब इजाज़त दीजिए अपने दोस्त कामरान को। अल्लाह निगेबान।